ये खूंटी तमाड़ मुख्य मार्ग है, आप देख पा रहे हैं खूंटी का जो व्यवहार न्यायालय सिविल कोर्ट है उसका गेट भी आप देख पा रहे होंगे। दरअसल ये देखिए, ये जो है खूंटी तमाड़ मुख्य मार्ग है और यहाँ एक स्कॉर्पियो जो है एक जो डिवाइडर है उसे तोड़कर आगे निकल गया और उसमें से जो दो लोग थे सब इसमें स्कॉर्पियो में सवार थे और दोनों ही बुरी तरह से जख्मी है। फिलहाल जो जानकारी निकल के आ रही है इसमें से एक लोगों को रिम्स रेफर कर दिया गया है जबकि एक का जो है सदर हॉस्पिटल में ही इलाज चल रहा है। ये देखिए यहाँ से जो है ये डिवाइडर है, चूँकि उस तरफ लोकल चलने के लिए सड़क जो है रास्ता जो छोड़ा गया है और इस तरफ जो है ये मेन सड़क है, मेन मार्ग है खूंटी तमाड़ मुख्य मार्ग। देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो है पुलिस प्रशासन की टीम भी पहुँची। हम बता रहे थे कि ये जो है खूंटी तमाड़ मुख्य मार्ग है और इस जगह जो है एक मोड़ है, काफ़ी ख़तरनाक मोड़ है इस जगह, काफ़ी दूर तक भी मोड़ है, लगभग 200 मीटर तक सिर्फ टर्निंग ही है और इसी टर्निंग पे हम आज से 2 या 3 महीने पहले भी आपको दिखाए थे कि एक स्कूटी और एक लूना गाड़ी और एक जो है कार के बीच ज़बरदस्त टक्कर हुई थी जिसमें लूना गाड़ी वाले इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी और आज फिर इससे हम जो बता रहे थे आज फिर एक दुर्घटना हुई है। इसके पहले इसके ठीक पीछे यहाँ से हम इस तरफ दिखाने का प्रयास करते हैं, यहाँ से 100 मीटर पीछे जो है एक ट्रक जो देखिए ऑटो आ रही है उस जगह एक बैरिकेड तोड़ के और इस बगल में भी उसके ठीक बगल में आगे जो फिर यहाँ जो आप हेल्थ क्लब देख पा रहे हैं एक बोर्ड लगा है उसके बगल में भी एक इसी बैरिकेड को जो है डिवाइडर को तोड़ के गाड़ी घुस गई थी और ज़बरदस्त सड़क दुर्घटना हो गई थी। यूँ कहें तो इस जगह जो हम दिखा रहे हैं आपको लगातार जो है इस जगह सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है। इससे पहले भी अभी 2 उदाहरण हम दे रहे थे पीछे जो हुआ था और इसके पहले 2-3 महीने पहले भी इस तरफ जो देखिए ये एक गाड़ी लगी हुई है आगे जो इसके ठीक आगे वहाँ भी व्यवहार न्यायालय का ही गेट है, उस जगह भी जो है एक सड़क दुर्घटना हुआ था उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और ये राजा तलाव के ऊपर घर है ऊपर में। अच्छा, क्या नाम है? टीचर थी ये कॉन्वेंट की। अच्छा हाँ, उनको टूटी है तो उसको अभी तो हॉस्पिटल ले गया है, चोट लगा है सिर पर जैसे जानकारी मिला हमको, भी देखने हम नहीं गए हैं। अच्छा, मतलब स्थानीय ही है? स्थानीय ही है। कहाँ से आ रहा था कोई पता है? ये कहाँ से आ रहे तो नहीं पता लेकिन ये लोग तो बराबर ही रोड में आना जाना करते थे लेकिन कैसे गलती हो गई। आज फिर से देखिए एक स्कॉर्पियो जो है वो डिवाइडर को पार कर तोड़ते हुए आगे निकल गया और उसमें 2 लोग सवार थे, दोनों ही पूरी तरह से जख्मी हो गए हैं। हालांकि एक का स्थिति जो नाजुक है उसे जो है रिम्स रेफर कर दिया गया है। ये देखिए हम आपको डिवाइडर दिखाने का प्रयास करते हैं, यहाँ से तोड़ इससे इसमें जो है टकराया था और तोड़ते हुए जाके व्यवहार न्यायालय मतलब सिविल कोर्ट का जो गेट है वहाँ तक जा पहुँचा है। हम बात कर रहे थे कि एक लोगों का जो है सीरियस स्थिति नाजुक है जिसे कि रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है और एक का जो है सदर हॉस्पिटल खूंटी में ही इलाज चल रहा है। फिलहाल इस घटना की जानकारी पुलिस टीम को जब पहुंची तो पुलिस टीम यहां पहुंची हुई है। देखिए खूंटी थाना को इसकी जानकारी मिली तो पुलिस का जो है टीम यहां पहुंचा हुआ है, पुलिस अपने दल बल के साथ यहां पहुंची हुई है और मामले के जांच में जुटी हुई है पुलिस। और आप देख सकते हैं कि अभी यहां पर हम लोग पुस्तकालय के सामने में खड़े हैं। यहाँ पर आधा घंटे पहले जो है एक तेज़ गति तमाड़ की ओर से आ रही एक तेज़ गति स्कॉर्पियो जो है रेलिंग को तोड़ते हुए बाहर आ गई, नदी के रोड की दूसरी ओर आ गई और स्कॉर्पियो की बहुत क्षति हुई है। 2 लोग इसमें स्कॉर्पियो में सवार थे और 2 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों और पुलिस की सहायता से उसको जो है सदर अस्पताल पहुँचाया गया जहाँ से उसको जो है इलाज करके रेफर किया गया। फिलहाल जो कुछ जानकारी निकल कर सामने आएगा अब उस पर जो है हम आपको फिर से बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम ये दिखा दें कि ये जो सड़क है काफ़ी बढ़िया सड़क है, कहीं ऊंचा गड्ढा नहीं है लेकिन हाँ इसमें जो है बीच बीच में जो टर्निंग है वो काफ़ी ख़तरनाक साबित हो रहा है। आए दिन इस प्रकार की सड़क दुर्घटनाएँ, इतने अच्छे सड़क होने के बावजूद भी सड़क दुर्घटना का हो जा रहा है यहाँ, तो जो है अच्छी सड़कों का भी हमें लगता है कोई फ़ायदा नहीं कहें, लेकिन हाँ इसमें पूरी तरह से सड़क या सड़क निर्माण का भी गलती नहीं है बल्कि चालक का भी गलती हो सकता है क्योंकि नियंत्रित तरीके से गाड़ी ड्राइव करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो
के बिना अनियंत्रित तरीके से कह सकते हैं कि चलते रहता है, और इस तरह से जो है अच्छे सड़कों पर भी दाग लगने का दाग लगने जैसा सवाल हो जाता है। तो हम पूरी तरह से किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हाँ दिखा रहे हैं कि देखिए ये जो है इस जगह जिस जगह हम लोग अभी खड़े हैं इसी जगह ठीक 200 मीटर पीछे 100 मीटर आगे और जहां हम खड़े हैं यहां कुल मिला के 4-5 घटनाएं हो गई है, और इसमें से 4-5 घटनाओं में से कई लोगों की जानें भी चली गई है। तो आज भी एक व्यक्ति का काफ़ी नाजुक स्थिति है, हो सकता है उसे फिलहाल रांची रिम्स जो है रेफ़र कर दिया गया है। अब आगे का क्या इलाज हो रहा है, किस प्रकार से उनका इलाज किया जा रहा है, ट्रीटमेंट किया जा रहा है, वो अब जो है जानकारी निकल कर सामने आने के बाद ही बता पाएंगे। ये हम दिखा रहे हैं इस स्कॉर्पियो जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, देखिए पर खच्चे उड़ गए हैं स्कॉर्पियो के। अरे जैसे कि मुझे खबर पता चला कि एक्सीडेंट हुआ है तो मैं यहाँ पर आया, देखा गाड़ी की हालत, डिवाइडर को तोड़ते हुए गाड़ी की तरफ आई। तो ये दुर्घटना जो है या तो नशे में होगा चालक या तो नींद में होगा, दो ही रीजन हो सकते हैं इसके। इस जगह काफ़ी तीखा मोड़ भी है, टर्निंग मोड़ भी है, हो सके चालक ने आंखें झपक ली होंगी या तो फिर नशे में होंगे। ये देखिए स्थानीय लोग थे यहाँ, बता रहे थे कि चालक के बारे में बात कर रहे थे। खैर हम नहीं बताते हैं कि चालक जिस भी कारण से दुर्घटना हुआ हो यहाँ, लेकिन दुर्घटनाग्रस्त देख पा रहे हैं अब ये गाड़ी। जैसे जैसे यहाँ लोग इधर से आने जाने वाले लोग देख रहे हैं तो यहाँ एकत्रित होकर जो है जमा खड़े होकर जो है लोग यहाँ इसे देख रहे हैं। तो अभी यहाँ एक स्थानीय थे दुबराज जी, उन्होंने भी बताया कि जो है गाड़ी अनियंत्रित तरीके से चला रहा होगा इसलिए दुर्घटना का शिकार हो गया है। बाहर का आदमी रहता था कोई बात थी, बाहर का आदमी रहता था कोई बात थी। हाँ।